नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में सुरक्षा बलों ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने आतंकियों की मदद की थी। उसने न सिर्फ आतंकवादियों को अपने घर में ठहराया था बल्कि गाइड करने का भी काम किया था। इसे लेकर जम्मू कश्मीर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से आतंकी के सहयोगी हाकम दीन को गिरफ्तार किया। उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। वह मूल रूप से रजौरी का रहने वाला है। उसने आतंकियों को अपने घर में पनाह दी और खाना खिलाया। उस व्यक्ति ने गाइड का काम भी किया और घटना स्थल तक पहुंचने में उनकी मदद की जहां आतंकियों ने बस पर अटैक किया था। इसके बदले में आरोपी को सिर्फ 6,000 रुपये मिले थे जिसके लिए उसने आतंकी हमले में 9 भारतीय मरवा दिए हैं। हाकम दीन को पहले से पता था कि बस पर आतंकी हमला होने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि इस हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे। ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने रियासी जिले में भक्तों से भरी बस को अपना निशाना बनाया। इसे लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीनों आतंकियों को पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस अब तक करीब 150 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और बता दें कि इस आतंकी हमले की ये पहली गिरफ्तारी है। रियासी आतंकी हमले पर SSP मोहित शर्मा ने बताया है कि हाकम दीन ने कबूला है कि उसने इन आतंकवादियों को खाना और रहने की जगह मुहैया कराई थी। वो भी आतंकियों के साथ घटना स्थल पर रुका था। उसने फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी। घटना के बाद वो उनको लेकर भी निकला है। 3 बार आतंकवादी उसके घर पर आए हैं। आरोपी को आतंकवादियों को घटना स्थल पर ले जाने के लिए कहा गया था जिसके लिए उसे 6,000 रुपये मिले थे। आपको बता दें कि रियासी में 9 जून को आतंकियों ने शिवखोड़ी से दर्शन करके वैष्णो देवी लौट रही एक बस पर गोलीबारी कर दी। एक गोली ड्राइवर के सिर में लगी जिससे बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसके बाद भी आतंकी बस पर फायरिंग करते रहे जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 41 घायल हुए थे। और अब इस आतंकी हमले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। आतंकियों का मददगार दोस्तों पकड़ा गया है। उसने सिर्फ 6,000 रुपये के लिए 9 भारतीय मरवा दिए हैं। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।